हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मर आईएएस टॉपर शाह फैजल को वापस से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रीइंस्टेट कर दिया गया है। अब एक जो सवाल काफी लोगों के मन में है, जहन में, कि जिन्होंने सर्विस से रिजाइन कर दिया था और सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट, इतना कुछ कहा भारत सरकार और उनकी पॉलिसीज के बारे में, उन्हें वापस कैसे सर्विस में एंट्री मिली? क्योंकि हमें पता है अगर आप रिजाइन कर देते हो तो आप दोबारा सर्विस में ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज बेनिफिट एंड रिटायरमेंट रूल्स देखेंगे, उसके सेक्शन 5 को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है सारा का सारा जो रेजिग्नेशन को लेके इशू है वो इस सेक्शन से डील किया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जब रिजाइन किया था 2019 में, तो इनका रेजिग्नेशन भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आमतौर पर जब भी रेजिग्नेशन होता है किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो उनकी पेरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है आईएएस के लिए डीओपीटी, पीएमओ, आईपीएस के लिए एमएचए, और सिमिलरली फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का डिसीजन होता है, क्योंकि ये स्टेट काडर बेस्ड सर्विसेज है। यहां से पहले सजेशन जो रिकमेंडेशन होता है वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी से आता है, अगर आप डेप्यूटेशन पे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। शाह फैजल के केस में यही हुआ, शाह फैजल ने रिजाइन किया, लेकिन सेक्शन 5 के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 में क्लॉज में दिया हुआ है जो अमेंडेड रूल्स हैं, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ने रिजाइन कर दिया है और भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जो वो पीरियड ऑफ गैप है वो 90 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर भारत सरकार चाहे तो रेजिग्नेशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकती पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अब शाह फैजल साहब के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, ये तो आई थिंक भारत सरकार ज्यादा बेटर बता सकती है। लेकिन ये एक तरीके का अनप्रेसिडेंटेड है कि पहली बार आप देखेंगे ऐसा हुआ है इन रीसेंट टाइम्स, जहां पे एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने सरकार के खिलाफ पूरा मूवमेंट, एक मोर्चा खड़ा कर दिया, इतना कुछ बोला, अब उन्होंने ट्वीट किया है उसका एक तरीके से अपनी गलती का एहसास करते हुए कि उनके आइडियलिज्म ने उनको धोखा दिया और उनको उनके उनका सब कुछ लूट गया। तो वही कह सकते हैं हम लोग कि शाह फैजल साहब जिन्होंने पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल मूवमेंट लॉन्च किया, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आप रिजाइन करते हो सर्विस से और अगर आप कोई पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हो तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते और आपका रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया जा सकता। बट अगर मोदी और शाह मेहरबान तो क्या करेगा बाकी इंसान। सो ऐसा ही कुछ है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे और भी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे अमेजिंग कोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं नीचे दिए हुए अनअकैडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, थैंक यू।